आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार, अपना प्रश्न स्तंभ एक को स्तंभ दो से मिलाइए और स्तंभ एक में पहला दिया हुआ है एक नंबर पर थॉमसन का परमाणु नंबर, दूसरे नंबर पर दिया हुआ रदरफोर्ड का परमाणु नंबर, तीसरे में दिया है बोर का परमाणु नंबर और चौथा में है आयनन वीबो, और स्तंभ दो में दिया है परमाणु के लिए नियत, बी में दिया हुआ स्थायी कक्षाएं, सी में कहता है आवेश और द्रव्यमान समान रूप से गोले में वितरित रहता है और डी में दिया है नाभिक। तो देखो थॉमसन का जो परमाणु मॉडल है, थॉमसन का परमाणु मॉडल में क्या बताया गया, थॉमसन परमाणु मॉडल में बताया गया कि जो द्रव्यमान है और आवेश वो क्या है, एक समान रूप से गोले में वितरित रहता है। ये किसने बताया, थॉमसन के परमाणु मॉडल में, कि आवेश तथा द्रव्यमान, आवेश तथा द्रव्यमान एक समान रूप से गोले में वितरित रहता है। ये किसने कहा, थॉमसन साहब। रहता है। तो यहां पर जो पहला ऑप्शन होगा वो किसके साथ मैच करेगा, तो इसका जो होगा वो सी के साथ मैच करेगा। उसके बाद दूसरा दे रहा है क्या, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल। तो रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में क्या कहा गया, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल तो रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा प्रकीर्णन के द्वारा पाया गया कि जो परमाणु है, परमाणु के अंदर क्या पाया जाता है, नाभिक पाया जाता है। तो इससे किसका खोज हुआ, नाभिक का। परमाणु के अंदर नाभिक जो का खोज होता है, ये किस में बताया गया, रदरफोर्ड का मॉडल में बताया गया। तो दूसरा जो विकल्प होगा वो किसके साथ मैच करेगा, डी के साथ मैच करेगा। उसके बाद तीसरा है बोर मॉडल। तीसरा क्या है, बोर मॉडल। तो बोर मॉडल में क्या बताया गया, तो बोर मॉडल में अस्थाई कक्षाओं के बारे में बता गया कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन जो है एक अस्थाई कक्षा में क्या करते हैं, घूमते हैं। तो इसमें बोर मॉडल में किसके बारे में बताया गया, अस्थाई कक्षा के बारे में। तो यहां पर जो अपना तीसरा विकल्प है, तीसरा किसके साथ मैच करेगा, तो यहां पर देखो तीसरा जो है अपना बी विकल्प के साथ स्तंभ दो में मैच करेगा। उसके बाद एक बच गया क्या, आयनन विभव। तो आयनन विभव किसके साथ मैच करेगा, पहले के साथ मैच करेगा आयनन विभव। आयनन विभव क्या होता है, तो परमाणु से किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने जितना विभव लगाना पड़ेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आयनन विभव कहते हैं। और आयनन विभव जो होगा वो किसके साथ मैच कर जाएगा, ये पहला होगा परमाणु के लिए नियत रहता है। प्रत्येक परमाणु के लिए जो आयनन विभव वो क्या रहता है, नियत रहता है। तो जो चौथा विकल्प है पहले के साथ क्या करेगा, मैच कर जाएगा, नियत रहता है। तो पहला जो मैच करेगा स्तंभ एक का वो किसके साथ मैच करेगा, ए के साथ, सॉरी ये चौथा स्तंभ एक का चौथा विकल्प स्तंभ दो का किसे, ए से मैच कर रहा है। तो अब देखते हैं यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखो पहला सी के साथ मैच कर रहा है, दूसरा डी के साथ मैच कर रहा है, तीसरा बी के साथ मैच कर रहा है और चौथा ए के साथ मैच कर रहा है। तो अपना जो तीसरा विकल्प होगा वो क्या होगा, सही उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा छठी से बारहवीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।